हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे स्टीम एंड स्टीम बॉयलर। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टीम एंड स्टीम बॉयलर के बारे में शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग स्टीम के बारे में देखेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में जानेंगे, फिर क्वालिटी ऑफ स्टीम मेज़र करने का तरीका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीम जनरेशन करने का जो डिवाइस यानी कि जो स्टीम बॉयलर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस से शुरू करते हैं। सिलेबस हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस, पहला टॉपिक ये है जनरेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर विथ रिप्रेजेंटेशन ऑन वेरियस चार्ट्स सच एज TH, TS, HS, PH डायग्राम्स। तो हम लोग स्टीम कांस्टेंट प्रेशर में कैसे हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको हम लोग डिफरेंट चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। TH डायग्राम, TH यानी टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम, TS टेम्परेचर एंट्रोफी डायग्राम, HS एंथैल्पी एंट्रोफी डायग्राम एंड PH प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। ये सब डायग्राम में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड यूज ऑफ स्टीम टेबल। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्टीम के। उसके बाद स्टीम टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्टीम एंड इट्स डिटर्मिनेशन विथ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम लोग कैसे मेज़र कर पाएंगे, एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वेपर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, कॉन्स्टेंट एंट्रोफी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन इस केस में हम लोग एक वेपर के लिए वो प्रोसेस कैसे, क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीम टेबल एंड मॉयलर चार्ट से कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर रंकाइन साइकिल यानी कि जो एक्चुअल साइकिल है जो कि जिससे पावर जनरेशन होता है स्टीम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टीम बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर का हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉयलर ड्राफ्ट्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टीम के बारे में जानते हैं, व्हाट इज स्टीम। तो स्टीम इज वाटर इन द गैस फेज। इट इज कॉमनली फॉर्म्ड बाय बॉयलिंग और एवेपोरेटिंग वाटर। तो स्टीम क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। हम लोग जानते हैं वाटर का 3 फेज होता है, सॉलिड फेज जो कि है आइस, लिक्विड फेज जो कि वाटर है, और गैसियस फेज यानी कि स्टीम। सो गैसियस फेज जो है वाटर का उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। ये जनरली कैसे हम लोग बनाते हैं ना, वाटर को हम लोग बॉइलिंग करके या एवेपोरेटिंग करके हम लोग स्टीम फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहता है कि स्टीम और वेपर दोनों में कुछ डिफरेंस है। दोनों ही गैसियस फॉर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टीम को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे ज़्यादा प्रेशर में हम लोग फॉर्म करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा में अगर हम लोग बॉयल करा के जो गैसियस फॉर्म अचीव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। इसका प्रेशर बहुत हाई होता है और इस समय मैकेनिकल वर्क डाल लेते हैं। लेकिन वेपर क्या है, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम टेम्परेचर में ही हम लोग उसको बॉयल कराते हैं, और उससे जो फॉर्मेशन होता है गैसियस फेज का उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। तो ये है डिफरेंस स्टीम और वेपर का, जो कि हम लोग कॉमनली ये गलती कर देते हैं कि दोनों को हम लोग सेम मान लेते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। स्टीम और वेपर दोनों अलग अलग हैं। अब इसका यूज कहाँ है, स्टीम का यूज तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन मेनली हम लोग यूज करेंगे मैकेनिकल एफर्ट के लिए। मैकेनिकल एफर्ट क्या है कि स्टीम का यूज करके हम लोग उससे मैकेनिकल वर्क डन ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ना, पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में हम लोग स्टीम का यूज करके टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और उसी टरबाइन से हम लोग जो जनरेटर है उससे कनेक्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है मैकेनिकल एफर्ट स्टीम का। और भी बहुत सारा इसका एग्जांपल्स है, जैसे कुछ दिन पहले तक स्टीम ट्रेन, स्टीम इंजन से चलने वाला जो रेलगाड़ी स्टीम ट्रेन, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अभी हालांकि वो बंद हो गया है,
लेकिन वो भी एक एग्जांपल है स्टीम से मैकेनिकल वर्क डन निकालने का। तो नेक्स्ट हम लोग सुनते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यानी कि पूरा प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा ना, ये एक सपोज एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक पिस्टन हम लोग लगा दिए हैं और ये पिस्टन मूव कर सकता है अप डाउन। अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं यानी कि इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा यानी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। प्रेशर जब इंक्रीज़ करेगा तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और इसको प्रेशर को बैलेंस कर लेगा, यानी कि प्रेशर जो है इनिशियली वही प्रेशर इस पर रहेगा। ये कैसे अचीव करते हैं इसको एनिमेशन से समझते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग हीट देना शुरू किए ये पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रह रहा है, जो प्रेशर पे हम लोग इनिशियली इसको रखे हैं वही प्रेशर पे रहेगा ये। जैसे ये गर्म होता जाएगा ये पिस्टन ऊपर जाता जाएगा। तो ये प्रोसेस से हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टीम हम लोग कैसे, आइस से हम लोग स्टीम कैसे बनाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो सपोज इनिशियली आइस है, उसको हम लोग हीट किए, हीट करने से आइस से वो फॉर्म होगा वाटर। आइस अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी है तो भी उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू करेगा और वो वाटर फॉर्मेशन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि उस फेज में एक लेटेंट हीट ऑब्जर्व होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को अगर हम लोग हीट करते जाएंगे तो एक फेज आएगा जिसके बाद ये वेपराइज स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। वो टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ये सारा कुछ हो रहा है, अब उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उस पॉइंट पे जो स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब स्टीम फॉर्मेशन पूरा होने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम दोनों रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम फॉर्म करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उस फेज में वाटर धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर धीरे धीरे स्टीम फॉर्मेशन शुरू होगा, अब एक ही टाइम में, जैसे सपोज 100 ग्राम वाटर है तो पहले 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे करके धीरे धीरे स्टीम फॉर्मेशन होगा। उसके बाद स्टीम जब पूरा पूरी फॉर्म हो जाएगा तो ये ड्राई सेचुरेटेड स्टीम हमको मिलेगा। अब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को अगर फिर से हीट करेंगे तो क्या होगा, ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। अब कुछ कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले TS है सेचुरेशन टेम्परेचर, TSUP यानी टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहाँ पे पूरा पूरा स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है वो है सेचुरेशन टेम्परेचर। अब टी सुपर हीटेड, जहाँ अगर हम लोग फिर से उसको हीट करते हैं ड्राई स्टीम सेचुरेटेड स्टीम को फिर हीट करते हैं तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं TSUP यानी टी टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब VF यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ एक चीज़ है कि VF जब आएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जहाँ F टर्म आया वहाँ पे हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब VG ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टीम, G यानी कि गैस तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम। VFG यानी वॉल्यूम लिक्विड और वेपर दोनों फेज यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो हम लोग बोलेंगे VFG वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वेपर, और VSUP यानी कि वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब इसको अगर हम लोग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर और हीट का डायग्राम, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये है टेम्परेचर और हीट का डायग्राम। जैसे जैसे हम लोग हीट देते जाएंगे और हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर को मेजर करेंगे और उसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियल हम लोग मानते हैं आइस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अभी भी सॉलिड फेज में है,
यहाँ से यहाँ तक सॉलिड फेज में है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड यानी आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेल्टिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाटर भी बनेगा। तो ये जो फेज है ये है सॉलिड और यहाँ पहुँचते पहुँचते बन जाता है लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस है ये है मेल्टिंग प्रोसेस और इस प्रोसेस में जो हीट चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है यानी पूरा पूरी मेल्टिंग कंप्लीट हो जाता है, अब वो वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हीट करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग ये नॉर्मली यही है कि हम लोग जब टेम्परेचर देते हैं तो हीट देते हैं तो होना ये चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग, यानी हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा, इसका वेपराइजेशन स्टार्ट होगा यानी कि धीरे धीरे वो स्टीम जनरेशन शुरू होगा। अब इस फेज को हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक यानी इस ये पॉइंट जहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन शुरू हुआ, ये पॉइंट जहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म हुआ, उसको इस फेज में ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस फेज में हम लोग को जो हीट चाहिए वो उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पूरा पूरी जब स्टीम फॉर्मेशन हो जाएगा इस पॉइंट पे, उसके बाद अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर फिर इंक्रीज करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर हीटिंग। क्लियर, अब हम लोग उसी को सेम कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस को टेम्परेचर और वॉल्यूम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो इसमें भी वही है कि सेम हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस पे हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर इसको इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। तो 0.122 -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को हम लोग हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम में हल्का सा चेंज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब 2 से 3 वॉल्यूम डिक्रीज किया, यानी इस केस में क्या होगा, जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा वाटर में। अब इस फेज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी 227 केल्विन वॉल्यूम डिक्रीज करते जाएगा, धीरे 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 डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट पे यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम वॉल्यूम होगा वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करते जाएगा अप टू 0.5। ये है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पे स्टीम फॉर्मेशन शुरू हुआ 5 से 6 तक, 5 से स्टीम फॉर्मेशन शुरू हुआ, 6 में स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म हुआ। इस पॉइंट पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ये क्यों, क्योंकि ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में या लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ये कन्वर्ट हुआ, इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अब 6 से 7 इस फेज में सुपरहीटेड स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ लेकिन टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज करेगा, ये फेज है सुपरहीटिंग सुपरहीटेड फेज। तो ये था टीवी डायग्राम, टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। इसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में ड्रॉ करेंगे वो था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में अगर हम ड्रॉ करते जाएंगे तो हर एक में सेम प्रोसेस होगा, इनिशियली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ से फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये है स्टीम फॉर्मेशन, यहाँ शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये है सुपरहीटेड पोजिशन। तो अलग अलग प्रेशर पर अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा इस साइड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो लिक्विड प्लस वेपर फेज है यानी जो ये फेज है यहाँ से यहाँ, वो फेज यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं है, ये है क्रिटिकल पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे वो लिक्विड एंड वेपर का जो फेज है वो नहीं आएगा, सीधा सीधी जो लिक्विड है यानी जो वाटर है वो सीधा सीधी स्टीम पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो मिक्स्ड फेज है वो नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब सारा ये सारा पॉइंट को अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो एक कर्व हम लोग को अचीव होता है, सारा जहाँ से स्टीम फॉर्मेशन शुरू हुआ
और जहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म हुआ। ये सारा पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो कुछ इस टाइप का कर्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर डोम। वेपर डोम का जो लेफ्ट साइड का कर्व है उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्योंकि यहाँ से लिक्विड स्टार्ट होता है वेपर बनना, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। और राइट साइड का जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर लाइन, यानी कि उस पॉइंट पे स्टीम फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर लाइन। अब इस क्रिटिकल पॉइंट जो कि प्रेशर अगर इतना रहेगा, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, ये अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। यानी क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का वैल्यू, ये है ये तीनों वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट और चार्ट्स है जो कि TS डायग्राम यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, HS डायग्राम एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम एंड PS डायग्राम यानी कि प्रेशर एंट्रोपी डायग्राम, तो एक एक करके देखते हैं सारा। सबसे पहला है TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो इस पे भी सेम, ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, यानी ये है सॉलिड प्लस लिक्विड, ये फेज होगा लिक्विड प्लस वेपर और ये है वेपर। तो इस पे भी अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे हर एक प्रेशर पे अलग अलग डायग्राम आएगा। सपोज 1 MPa प्रेशर, तो ये आया कर्व। सपोज प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे 10 MPa, तो ऐसा कर्व आएगा, यानी जो लिक्विड प्लस वेपर का रीजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा और एक टाइम आएगा जो कि ये पूरा पूरी ओमिट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली इसका जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये है सेचुरेटेड वेपर लाइन। ये था TS डायग्राम। नेक्स्ट मोलियर डायग्राम या HS डायग्राम। अब HS चार्ट में भी जो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन ये है और इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद सेचुरेटेड वेपर लाइन। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे या डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी पे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसा उसका कर्व होगा, ये है सेचुरेटेड वेपर लाइन, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब ये सारा जो कर्व है ये है हर एक प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा कर्व आएगा। यहाँ से शुरू ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसा होगा, सपोज ये 1 bar 2 bar 3 bar, ऐसे अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये सारा जो कर्व है इस टाइप का ये हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। यानी कि यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद इस पॉइंट से अलग होके ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट कांस्टेंट क्वालिटी लाइन। क्वालिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्वालिटी अभी ये जान लीजिए कि स्टीम फॉर्मेशन जो होता है वो स्लोली होता है, यानी 100 ग्राम अगर स्टीम है, अगर वाटर है उस पर पहले 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे करके, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्वालिटी में, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब ये देख लीजिए कि हर एक क्वालिटी पे ये कांस्टेंट क्वालिटी, सपोज 0.1 क्वालिटी पे ये कर्व आया, दूसरा क्वालिटी पे ये कर्व आएगा ऐसे, ठीक है। ये है HS चार्ट। नेक्स्ट ये है PH चार्ट, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। इस केस में भी ये है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये है क्रिटिकल पॉइंट, ये है सेचुरेटेड वेपर लाइन। अब इसमें भी अलग अलग प्रेशर पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्रेशर पे, ये अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये कर्व ऊपर चलते जाएगा, यानी जो सेचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर है रीजन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट अचीव करेगा, यानी वो फेज रहेगा नहीं। ओके, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स था जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो कैलोरीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।